स्वर्गतम दीक्षा गुरु पाद पद में पिला प्रविष्ट हो कृष्ण पाद स्तोत्र श्री श्री मैं श्री भक्ति विनाश श्री नारायण सिंह महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रणाम ज्ञापन करते हैं उनके हेतु की पति वासना करता हूं। समस्त रूपों गुरु वरों के चरणों में सभी भक्तों के चरणों में हेतु की प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो आप लोग बहुत सौभाग्यवान है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बहुनाम जन्मानते ज्ञान माम मान प्रबदलते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सर्वदुर्लभम, कि अर्जुन एक जन्म के बाद नहीं बहुत बहुत जन्मों के बाद ऐसा कोई एक सौभाग्यवान जीव होता है जो मानता है वासुदेव सर्वमिति कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही भगवान है और वो आत्मा नहीं है, वो क्या है महात्मा सुदुर्लभ और वो बहुत सुदुर्लभ है। तो जो इस चीज को मान रहा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करता, कृष्ण को ही स्वयं भगवान मानकर उनकी एकांतिक उपासना करता है, उसको गीता में क्या बताया गया है आत्मा या महात्मा? महात्मा। तो आप से कौन कौन मानते हैं कृष्ण भगवान है? तो आप सब लोग कौन हो गए, आत्मा या महात्मा? तो आप सब लोग कौन है? महात्मा। और उससे भी श्रेष्ठ कौन है जो उसको जान लेता है कि वही भगवान कृष्ण आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण कृपा करते हैं वो ही जान पाता है कि हाँ ये स्वयं भगवान है। उसी प्रकार से जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है वो ही मानता है कि ये कौन है, साक्षात राधा कृष्ण मिलित कर्ण है। तो जो लोग चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने के लिए आए हैं, यानी कि मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात राधा कृष्ण मिलित कर्ण है, तो इसका मतलब उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा होगी या हो गई? हो गई, तभी तो मान रहे हैं कि वो भगवान है। तो इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यवान हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रहा है, कहते स्वर्ग के देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते ठाकुर जी हमें ये कलयुग में जन्म दो। कौन सा कलयुग? ये जो कलयुग अभी जो युग है कलयुग, महाप्रभु आए कहते भागवत में बताया, देवता की बात छोड़ दो, कहते सत्ययुग का लोग कृतयुग कहते हैं, धन्य युग है जो धर्म चार चरण में रहता था, सत्ययुग का लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। इनकी छोड़ दो तृतीय युग, हम कहते ना राम राज्य, राम राज्य में आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक वही दुख पड़ते, सब आनंद आनंद है उसी युग। और द्वापर युग में जो पूर्ण ब्रह्म सनातन जो कृष्ण जहाँ पर जन्म होती उसी युग का लोग, तीन युग का लोग ये कलि युग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में अभिषिक्त होना चाहते हैं। इसलिए आप जितने कंठी तिलक लगाए ना, मैं नहीं करा हूँ, भागवत कहता है तुम लोग सत्य तृतीया द्वापर युग में आ चुके हो और महाप्रभु को कृपा पाने के लिए अभी आए हो। इसलिए तुम लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मैं नहीं भागवत कहता है, इसलिए ये महाप्रभु को कहना शुद्ध प्रभु जो बात कर रहे कृष्ण को उपासना करने वाले महात्मा, लेकिन महाप्रभु को आपको उपासना करने वाले महात्मा 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 का भी महात्मा जो महाप्रभु को भक्ति धारण आया। और सबसे बड़ी चीज देखो, मैं सब जगह में भागवत कथा करता हूँ, भागवत बोलते अभ्यास, लेकिन ये जो चैतन्य भागवत कथा में तो जगन्नाथ पुरी में रोज एक की तकलीफ सुनाते थे, सात दिन तक कंटिन्यू ऐसे दो ढाई तीन घंटा तक अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे सुंदर गोपाल गुरु का ये दिमाग है, बोले दिमाग है, बोले नहीं हम क्यों जहाँ महाप्रभु धारा में हैं लोगों को पता चले ये महाप्रभु कौन है, जगत में क्यों आए, क्या देने के लिए आए, ये इनकी कृपा ही समझो, इनके दिमाग की इनका ही मतलब सोच है जो कि आज ये सुजग में महाप्रभु की कथा सुन सके। इससे ताली हो जाए, जो कि आज मेरे को उन्होंने ये महाप्रभु की कथा बोलने के लिए जो सुजग दिया है ना, ये मैं भी अपने आप को मानता हूँ मैंने एक बहुत बड़ी काम किया। इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे अगली बार जब आएंगे ना फिर की जगह बहुत बड़ा जगह हो, इन दो दिन में इतना लोग नहीं बैठने की जगह नहीं हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं। इसलिए गुरु जी की गोबर में गुरु जी की बहुत कृपा है, इनके गोबर में है बहुत कृपा है। इसलिए हमारे जो संप्रदाय सोसाइटी में इतने ईयर के बच्चों को ना जोड़ने वाले हम लोग भी आए, ये इतने इतने कम समय उम्र में जितने उन्होंने किया तो बच्चों को जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, अगर इतने किया तो बच्चों को जो भक्ति मिला है, मेरे गुरुदेव कहते थे
एक एक व्यक्ति को गुरुदेव ने संन्यास दिया, इतने पढ़े लिखे नहीं, गुरुदेव ने छूट दिया, बल्कि जो ठाकुर का चरण में जो फूल चढ़ाते हैं ना, एक तरफ चढ़ाया दूसरे तरफ फूल जा जाती है। यदि गुरुदेव कहते थे, इसने मीठी मीठी कथा सुनाते थे, लोगों को भजन में लाते थे, गुरुदेव कहते इसने जीवन को पुष्प चढ़ाया ठाकुर को चरण में, जो फूल मुरझाने वाले नहीं, दो दिन प्रतिदिन जो फूल खिलने वाले। इसलिए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी ऐसे ऐसे फूल को लाएगा, जैसे यहाँ पर जगार्दन प्रभु जी, यहाँ पर और जितने सब बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर जो कथा बोल रहा है, और जैसे आनंद प्रभु, उन्होंने सब सेमिनार में बच्चों को इसलिए जुड़ा है, इसलिए के लिए ताली बजाओ। ठाकुर जी के चरण में मदन मोहन का चरण के लाए हैं, इसलिए मैं भी गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर उनको बहुत भक्ति दे, प्रेम दे, और शरीर को स्वस्थ रखे, और ऐसे ही ये प्रचार करते रहे। हम तो बीज डाल देते हैं, माली तो मानस जी है, उसको पेड़ बनाने वाले हैं। सुंदर गोपाल प्रभु जी की तो हमारी श्रीमद भागवतम है, श्रीमद भागवतम लिखी वेद व्यास जी ने चार वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, तब भी उनके मन को शांति मिली नहीं मिली, फिर क्या लिखा श्रीमद भागवतम। अभी प्रश्न है कि श्रीमद भागवतम लिखने के बाद भी कुछ तो रह गया था, इसलिए फिर वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आज से 550 साल पहले आए, और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, चैतन्य भागवत। तो चैतन्य भागवत और भागवत दोनों के लेखक कौन है, एक ही है। तो बता रहे हैं कि भागवत मैंने किसके लिए लिखी है, भागवत मैंने लिखी है निर्मल सरणाम सत्ता, कि भागवत मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो निर्मल सर है, जिनका हृदय जो है मत्सरता से रहित हो चुका है, उनके लिए लिखी है। अगर वो इस भागवत को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो बताया कि कलयुग में तो समस्त मत्सरता से भरे हुए हैं, तो कलयुग के लिए क्या लिखा, तो हम लोगों के लिए उन्होंने फिर लिखा श्रीमद चैतन्य भागवत। इसलिए चैतन्य भागवत में उन्होंने लिखा कि अगर कोई यवन मतलब होता है मुसलमान को अगर राम बोलो तो वो क्या बोलते हैं, हराम, राम को भी गाली देते हैं। तो जो मुसलमान भी अगर इस चैतन्य भागवत को श्रवण करेगा तो उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, और वो भी कृष्ण का भक्त बन के हरे कृष्णा 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 हरे 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 भगवान का नाम लेके नाचना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है, हम जैसे जीवों के लिए, जो कलयुग में बहुत पते जीव है, उनके लिए औषधि है। चैतन्य भागवत का पान करने से पतित जीव भी बहुत जल्दी उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। उदाहरण देता हूँ, कैसे हमारे एक महाराज जी है, आश्रम महाराज जी, वो अफ्रीका में गए, अफ्रीका में ही वो गांव गांव में जाकर प्रचार करते हैं। अब अफ्रीका में जिस गांव में वो गए, वहाँ पे वो लोग ऐसे थे कुछ भी खा लेते थे, यहाँ तक कि उस गाँव में यही थी कि उनके जब दादा परदादा जो बूढ़े लोग मर जाते हैं तो उसको भी खा लेते हैं जला के, ऐसा गाँव। अब वो महाराज जी जब वहाँ पे गए तो उनके पास गौर निकाली के छोटे से बिगड़े थे, उस गांव में 5-7 दिन रुके, गांव वालों को बोला कि ये जो गौर निताई है ये भगवान है, इनकी पूजा करो। अब वो आदिवासी लोग वो जंगल से फूल फूल तोड़ के आने लगे, हा हा हू करके उनको प्रणाम करते हैं, फूल देते हैं, नाचते हैं। अब 5 दिन महाराज जी रुके, महाराज जी वहाँ से जाने लगे। जब महाराज जी अपने गौर निताई को लेके जाने लगे तो वो सब लोग 5 दिन से गौर निताई कर रहे थे। अब जब महाराज जी जाने लगे तो बोले नहीं, आप तो भगवान को कैसे लेके जा रहे हो, अपना भाला वाला लेके खड़े हो गए, भगवान को नहीं जाने देंगे अपने गांव से। तो बोले कि ऐसे सुनना होता है, ये इंडिया से आया हूँ मैं, 5-5 दिन 4-4 दिन हृदय के रुक हूँ, मेरे भगवान है मैं लेके जाऊँगा। बोले नहीं, जब तक आप अफ्रीका में हो गाँव में कहीं भी जो ये भगवान यहीं पर छोड़ जाओ, हम इनकी पूजा करेंगे। बोले तुम कैसे पूजा करोगे, तुम सब उल्टा सीधा खाने वाले। बोले अच्छा मैं विधि बताऊँ, विधि का पालन करेंगे। बोले कि तुम बस इतना करना, कुछ भोजन तो तुम बना नहीं सकते, तो तुम केवल पानी पिला देना और थोड़े बहुत फल फूल आदि इनके आगे रख देना, मैं 10-15 दिन तक और अफ्रीका प्रचार करके वापस भारत जाऊंगा, तब लेकर चले जाऊंगा। तो महाराज जी 10-15 दिन बाद जब उस गांव पे वापस आए तो जितने भी लोग थे वहाँ पे वो रोज क्या करते थे, निताई गौरंग जय हो, निताई गौरंग जय हो, निताई गौरंग बोले प्रचार किया, बोले हमें देख के बुरा लगता है, हम ये नहीं खा सकते, हम भी फल पूरी 5-7 दिन से खा रहे हैं, हम भी 10 दिन से उपवास ही कर रहे हैं।
और वो सब लोग भी भक्त बन गए और नवदीप आए, नवदीप जो चतरे महाप्रभु का धाम है वहाँ पे आए और आज वो सब लोग भी कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। आप अगर जाके देखोगे अफ्रीका के कितने सारे भक्त हैं, वो भी किसी कृपा से भक्ति का आए, भगवान नित्यानंद प्रभु और चतरे महाप्रभु की। तो कलयुग जीवों के ऊपर बहुत जल्दी कृपा करते हैं कौन, नित्यानंद और महाप्रभु। इसके देखो गोविंद जी के दर्शन करने जाते हो, दुनिया गोविंद जी के दर्शन करने आती है। जो गोविंद जी का गेट है, गेट का नाम क्या है, नित्यानंद द्वार। यानी कि अगर गोविंद जी के पास भी आते तो कौन से द्वार से क्या पड़ेगा, गौरांग नित्यानंद द्वार। यानी कि जब तक महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, गोविंद जी मिलने वाले नहीं है। इसलिए कलयुगी जीव जो है, अगर वो चाहता है कि उसको बहुत जल्दी शॉर्टकट कृष्ण भक्ति का चाहिए, तो वो क्या है, गौरांग और नित्यानंद प्रभु। इसलिए आप लोग मन लगा के चैतन्य महाप्रभु की कथा को अच्छे से श्रवण करना। अगर हमारे हृदय के अंदर चैतन्य महाप्रभु के प्रति राग उत्पन्न हो गया, तुम्हारे गुरु पर कहते हैं यथा यथा गौर पदार विंदे विंदित कृत भक्ति पुण्य राशि तथा तथा हृदय अकस्मात राधा पदाम्बु सुधाम्बु राशि, कि जितने जितने परिमाण में हमारा हृदय जो है महाप्रभु के चरणों में जाएगा, स्वाभाविक ही हमारा हृदय उतना ही राधा जी के चरणों में अपने आप ही चले जाएगा, क्योंकि वो कौन है, राधा कृष्ण के मिल तनु है। इसलिए देखो गोविंद राधा गोविंद बोलते ना, राधा गोविंद। अब शॉर्टकट क्या हो गया, गौर, गौर से हो गया गोविंद, र से हो गया राधा। तो इसलिए गोविंद जी की अगर भक्ति करनी है तो शॉर्टकट कौन है हमारे, गौरांग महाप्रभु गौर। उनके चरणों में जाओ, सारे पाप सारे अपराध बहुत जल्दी क्षय करते हैं और बहुत जल्दी हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। जैसे देखो माता का प्रेम पिता दे सकता है, पिता का प्रेम माता नहीं दे सकती, उसी प्रकार से राधा जी तो कृपावान है, कृष्ण भी कृपावान है, और दोनों मिल जाए तो क्या होगा, डबल कृपा होगी नहीं होगी। इसलिए जो महाप्रभु के पास जा रहे हैं उसको किसकी कृपा मिल रही है, उनको दोनों की कृपा मिल रही है, उनके दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। इसलिए जो इंटेलिजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो महाप्रभु के शरण में जाके ही कृष्ण भक्ति में आगे जाएंगे। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ, इतना ही और प्रेमा नंदे जी। आज जो कथा करवाए केशव प्रभु, केशव प्रसाद, इन्होंने भी हर तरह के लिए ताली बजा। अभी आरती होगी, सनातन प्रभु आरती सब, हाँ सबके सब आरती करेंगे। बोले दिताई गौरव जय दिताई गौरव जय दिताई गौरव जय दिताई गौरव जय गौरव जय दिताई गौरव दिताई गौरव जय दिताई गौरव हरे कृष्णा कृष्णा शिव जय जय गौराचंद हरे को
Thank you.